सुक्खू सरकार का प्रदेश के कर्मचारियों को डीए देने पर हो रहा है मंथन। तीन प्रतिशत डीए दिया जा सकता है इस बार दिवाली पर। इसके लिए करना पड़ेगा 375 करोड़ रुपए का प्रबंध। राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को डीए यानी कि महंगाई भत्ता देने के लिए मंथन कर रही है। कर्मचारी को 3% डीए दिया जाना है। वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 11% कम डीए मिल रहा है। कर्मचारी संगठन लगातार डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब त्योहारी सीजन में उन्हें इस मांग के पूरे होने की आस बंधी है। केंद्रीय कर्मचारियों को 145%, जबकि हिमाचल के कर्मचारियों को 134% डीए प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में कर्मचारियों को जनवरी 2022 से 3% डीए जारी किया गया था। उसके बाद डीए की 3 किस्तें तय हो चुकी है। यदि सरकार 3% डीए देने की घोषणा करती है तो 375 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रबंधन करना पड़ेगा। इसी प्रकार 4% डीए चुकाने के लिए 500 करोड़ रुपए की दरकार रहेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 1,81,000 कर्मचारी और 1,91,000 पेंशनर्स हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा का कहना है कि सरकार को कर्मचारी वर्ग के हितों को ध्यान में रखना होगा। वे चाहते हैं कि दिवाली पर 4% डीए जारी हो। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से 3% डीए दिया जा रहा है। पिछला 8% डीए भी उसमें शामिल कर दिया जाए तो डीए की अदायगी 11% रहेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर का कहना है कि हम चाहते हैं कि कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर डीए मिले। हालांकि प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है, हमें सरकार से डीए मिलने की आस है।